गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि अजय, निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले, पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बात, सुनत जात धानी सब लागी करें विसात। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विसात करने लगी। प्रभु के वचन शीश धरी सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म धारण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुनि लक्ष्मण सीता कई बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर जोगू, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकटि काठ बहु लाए। पावक प्रबल देखी भई देही, हृदय हरस नहीं भय कछु तेही। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। यौमन बच क्रम मम उर माही, सजिर भुबीर आन गति नाही। तौक सान सब कई गति जाना, मोकम वो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरी भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्री खंड समपावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब हर लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर, सिद्ध मुनि देखहि करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशल पति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना,
देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश से खड़े देखते हैं। धरि रूप भावक पान गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर भी आन तो सो राम बाम विभाग राजति रुचिरि अति सो भावली नव नील नीरज निगत मानो कनक पंकज की कली। तो अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निशान गावहिं किन्नर सुर वधु नाचहिं चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी की अपमिलित और अपार शोभा देखकर रीज बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई मातली चले उचरण सिरुनाई आए देव सदा स्वारती वचन कहाई जन पर मारती। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी माताली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला आया। तदांतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। दीन बंधु दयाल रघुराया देव की देवन पर दाया इस द्रोह रत के कल कामी निज अग गयो कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी तथा एक रस सहज उदासी अकल अगुण अज अनघ अनामे अजित अमोघ शक्ति करुणामे। आप कामरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति और दयामय हैं। मीन कमठ सुकर नर हरि वामन परोस राम बपुधरी जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। आपने ही मत से कच्छप बाराह निसिंग बामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख का नाश किया। एकल मलिन सदा सुर द्रोही काम लाभ मद रत अति कोही अधम सिरो मनि तब पद पावा ये हमरे मन विश्व में आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु
काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रस प्रभु भगति बिसारी, भव प्रवाह संतत हम पदे, अब प्रभु पाही शरण अनुतरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी समर्थ परायण हो, आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहां तहां कर जोरी, अति सप्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे, सब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चापु धरे, भव पारन दारुन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। ये नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्व्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनींद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि को पुगा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है सिद्ध मुनीश्वर, और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है, आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम्, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्, अवतार उदार अपार गुणम्, महिपार विभंजन ज्ञान घनम्। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक मेघ मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषणु दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक अद्वितीय और अनादि हैं। हे कर्णा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। कृत भूप विभीषण दीन रा, गुण ज्ञान निदान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप
और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम भव तारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर्जाप मनोहर तोन धरम जल जारुन लोचन भूप भरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मत काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनभाग्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब कोई ना हो इति वेद बदंती न दंत कथा रवि आतप भिन्न भिन्न यथा। आप अनिध या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्व रूप होते हुए भी आप वो सब कभी हुए ही नहीं ऐसा वेद कहते हैं। कोई दंत कथा नहीं है जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब वानर निरखंति तवानन सादर दिव्य जीवन देव शरीर हरे सब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं और हे हरे हमारे अमर जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिए जहिते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी कहिए। हे दीन दयालु आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद में विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रभ्य क्षमा पद पंकज से शंभु कुमा नृप नायक देवर दामिदम चरना बुज प्रेम सदा सुभगम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। बिन गिन चतुरानंद प्रेम पुलक अति गात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते
उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। देही अवसर दशरथ तहां आए, तने बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता सब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए, पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत भजन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावल ठाणी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन दृढ़ ज्ञाना। साते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने वैकल्प मोक्ष नहीं पाया। सगुनो पासक मोक्ष न लेही, तिन कहूं राम भगति निज देही। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसी गए सुर धामा। माया रहित सच्चिदानंद में दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं, उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोसलाधीश, शोभा देखी हरषि मनि स्तुति कर सुर ईश। प्रभु को इष्ट देव बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, हनुमान की।